Hello, Bacho. let's read the question. A barometer kept in an elevator reads 76 cm. When it is at rest, if the elevator goes up with increasing speed, the reading will be here. We have given four options A 0, B 76 cm, C less than 76 cm, and D greater than 76 cm. Now, first of all, we will discuss here the key concept and here. की कॉन्सेप्ट इज एटमोसफेरिक प्रेशर नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव गिवन अ बैरोमीटर विच इज केप्ट इन एलिवेटर. तो हम हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे बैरोमीटर की तो बैरोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर और यहाँ पे जो हमारे पास एयर प्रेशर है वेन लिफ्ट इज रेस्ट उस पर्टिकुलर केस में इट इज मेजरिंग 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी वी कैन राइट इट पी नॉट विल बी इक्वल टू रो जी एच नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास एच है इट इज 76 सेंटीमीटर वेन द लिफ्ट इज गोइंग अपर डायरेक्शन तो हमारे पास जो प्रेशर है वी कंसिडर जो हमारे पास बैरो की सराउंडिंग है इट इज स्टिल द सेम दैट इज इसके सराउंडिंग में अभी भी हमने यहाँ पे सेम एयर प्रेशर को एज्यूम किया है सो वी कैन राइट इट जो पी नॉट है इट विल बी रो जो एसेलेशन की वैल्यू है सिंस द लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीजिंग स्पीड तो उस केस में हमारे पास जो एक्सलरेशन होगा That will be positive, और उसे हम लिख सकते है जी प्लस ए जो हमारे पास रीडिंग आएगी विट कैन राइट इट एच डैश नगर हम कंपेयर करें फर्स्ट केस और सेकेंड केस case, दोनों केसेस में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू सेम है सेकेंड रिलेशन में अगर हमें पी नॉट की वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखना है एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट केस उस केस में हमारे पास जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज इंक्रीजिंग तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पी नॉट को कॉन्स्टेंट रखने के लिए हमारे पास जो हाइट है इसको डिक्रीज होना पड़ेगा तभी जाके हमारे पास जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रह पाएगा यानी अगर हम बात करें यहाँ पे जो एलिवेटर है एलिवेटर के केस में अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो एयर का प्रेशर है इट इज सेम एज ए नॉर्मल कंडीशन जब हमारे पास लिफ्ट रुकी हुई है उस पर्टिकुलर केस में वहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए एसिलेशन की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी बट उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो रीडिंग आएगी बैरोमीटर की इट हैज टू डिक्रीज यानी हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी न्यू रीडिंग में वी कैन से हियर इट शुड बी लेस देन सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर if the elevator goes up with increasing speed the reading will be less than 76 cm option c will be the correct answer hope all you understood it thank you and best of luck